वेलकम यू ऑल टू गुरसर एजुकेशन। मैं गुरपाल सिंह आज फिर आपके साथ हूँ एक नई क्लास, नया टॉपिक, नई वीडियो और नई लर्निंग को लेकर। जैसे कि आपको पता है कि सीरीज चल रही है रिगार्डिंग दी करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड यूजीसी नेट पेपर वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन सीरीज। तो ये सीरीज है जी, इस सीरीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं, वीडियो लेक्चर्स जो हैं, हम डिलीवर कर चुके हैं। ये पार्ट नंबर 17 है। रिसेंटली करंट अफेयर्स और जीके पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये क्वेरी थी कि यूजीसी नेट के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम इस तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। काफ़ी मिक्सड अप क्वेश्चन हैं, तो इसमें सभी फील्ड्स की आपको नॉलेज जो है वो देने की कोशिश की गई है। एज़ यूजुअल हम इस वीडियो क्लास में हमने कोशिश की है कि 30 क्वेश्चंस को आज फिर से स्टडी किया जाए। 30 क्वेश्चंस जो हैं वो रखे गए हैं। डेली बेसिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें जीके होगी, जिसमें इकॉनमी के रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, और यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस जो हैं इसमें इंक्लूड किए गए। ओके, वेरी गुड इवनिंग ऑल। तो मैं जस्ट इसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये पार्ट 17 है। जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को देखें, आंसर करने की कोशिश करें। आपको क्वेश्चन आता है नहीं आता है दैट डजेंट मैटर, जस्ट यू हैव टू कॉमेंट द कॉमेंट बॉक्स। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें, और इससे बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मोटो आज का क्या है आपको पता चल ही गया होगा, आपको इन सवालों का जवाब पता होने चाहिए। ओके, तो ये मोटो है आज का। तो ये हम स्टडी करेंगे कुछ क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन दस। तो देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें, सो दैट वी कैन मूव फर्दर। लेट मी जस्ट टेक माय पेन सो दैट आई कैन राइट इट। ओके, ऑलराइट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, क्वेश्चन क्या है। स्टार्ट में ही हम आज स्पीड पकड़ लेंगे क्योंकि 30 क्वेश्चन हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि जितना जल्दी हो सके हम कवर कर पाएं। Which of the following has announced the launch of Nifty Next 50 ETF? ETF का मतलब होता है जी Exchange Traded Funds, and Nifty 100 ETF Exchange Traded Funds in July 2022. तो कौन सी फर्म है, कौन सी कंपनी है, कौन सी बैंक है जिसने रिसेंटली लॉन्च किए हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF एंड निफ्टी 100 ETF इन जुलाई 2022। ऑप्शन ए है जी SBI म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, सी है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, एंड डी इज HDFC म्यूचुअल फंड। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन को। कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF अपने प्रोडक्ट्स में ऐड किए हैं और निफ्टी 100 ETF जो है उन्हें भी ऐड किया है। कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए भी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट के लिए भी, ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, ACC यू आर आंसरिंग सी। लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज HDFC म्यूचुअल फंड। तो इन्होंने ऐड किए हैं जी, थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में आपको। ओके, तो पहली बात तो यही है कि इन्होंने ऐड किए हैं, और दूसरी बात यह है दीज फंड्स ऑफर एक्सपोजर टू इंडियन लार्ज कैप स्पेस। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरह ही उन्होंने एक ये प्रोडक्ट्स जो हैं आपको देने की कोशिश की। नाम इसका रखा है HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF एंड HDFC निफ्टी 100 ETF। ओके, तो बाकी इसकी क्लोजिंग डेट्स, ओपनिंग क्लोजिंग डेट्स के बारे में बताया गया है। बेसिक इसका पर्पस यही है कि जो लार्ज कैपिटलाइज्ड स्पेस है, जो कंपनीज हैं उनके बीच जो इन्वेस्टमेंट है उसे आसान किया जा सके, तो इसी पर्पस के लिए इन म्यूचुअल फंड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेकेंड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ चाइनाज टाइवान 1 मिशन। तो इनमें से
कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अ चाइनाज दिस चाइना का एक चाइना ने एक मिशन चलाया है रिसेंटली, जिसे ताइवान वन मिशन के का नाम दिया है उन्होंने, काफ़ी रिसेंट है ये। तो इनमें से कौन सी चीज़ उस मिशन का पार्ट है? ऑप्शन ए इज़ यू-22 रोवर, ऑप्शन बी 93, ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग रोवर एंड ऑप्शन डी जिंगो-1 ऑर्बिटर। तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें। फिर से मैं बता देता हूँ, चाइना ने एक नया मिशन लॉन्च किया, मिशन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। मिशन का नाम रखा है ताइवान 1 और पूछा गया है इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो ताइवान मिशन के साथ है रिलेट करती है। ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दे दीजिए, मुझे सभी के इन्वॉल्वमेंट चाहिए बिकॉज 30 क्वेश्चन हैं आज। फिर से काफ़ी मिक्स्ड अप करके मटेरियल जो है वो प्रिपेयर किया गया है, करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड किए गए हैं, जीके काफ़ी ज़्यादा है और यूजीसी नेट को भी ध्यान में रखा गया है। ध्यान से देखें, स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दिस इज रॉन्ग रोवर। ओके, तो ये है क्या ये आपको पता होना, थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, मेरिटियन सरफेस के रिगार्डिंग ये इंफॉर्मेशन है। चाइना इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंटरप्लेनेटरी मिशन, ताइवान सक्सेसफुली लैंडेड जीरोंग रोवर ऑन मेरिटियन सरफेस। तो मेरिटियन सरफेस पे वो लॉन्च किया है फर्स्ट टाइम, तो जीरोंग रोवर एरिया का नाम है। दिस मेड चाइना द थर्ड कंट्री आफ्टर यूएस एंड यूएसएसआर टू लैंड ऑन मार्स। तो मार्स पे लैंड कर लिया है जी उन्होंने। इट वॉज लॉन्च अब्रोड अलॉन्ग मार्च 5 रॉकेट इन 2020, तो उस टाइम पे लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली उसने सक्सेसफुली लैंड किया है मेरिटियन सरफेस में, ज़ीरोंग रोवर उस प्लेस का कह सकते हो, वहाँ का नाम है जहाँ पे उसने लैंड किया। तो ये इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन थर्ड देखें, रेनाउंड मराठी राइटर डैश हैज़ पास्ड अवे इन जुलाई 2022। रिसेंटली एक मराठी राइटर जो हैं वो एक्सपायर हो गए, उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए इज अन्ना भाऊ सेठ, ऑप्शन बी इज गोपाल गणेश अगरकर, ऑप्शन सी इज अनंत यशवंत खरे एंड ऑप्शन डी इज मल्लिका अमर शेख। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखें, आंसर करें। वेरी गुड इवनिंग अमृत। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को, कौन से मराठी रेनाउंड राइटर जो हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ना वो एसएससी में और आईबीपीएस के करंट अफेयर्स में जरूर पूछे जाते हैं। सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, ही इज अनंत यशवंत खरे जी। तो ये हैं, इन्होंने 19 बुक्स लिखी हैं, 76 की एज में पुणे में ये एक्सपायर हुए 22 जुलाई को। 19 बुक्स उन्होंने उनके क्रेडिट में है, और किन टॉपिक्स पे, साइंस सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में, और उन्हें 2010 में अवार्ड रिसीव हुआ था जिसे हम कहते हैं भाई माधवराव बगल अवार्ड, क्योंकि उन्होंने बुक लिखी थी कहानी मानव प्रांजी। तो ये बुक के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया था। नाम याद रख लीजिए, अनंत यशवंत खरे। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ध्यान से देखें क्वेश्चन को। रशियन एनक्लेव कालिनिंगराड, तो ये नाम है उसका, दैट वाज इन न्यूज रिसेंटली, इज लोकेटेड इन विच सी। तो कौन से समुद्र में रशियन एनक्लेव, ये जो उसका नाम है कालिनिंगराड, तो वो सिचुएटेड है कौन से सी में? ऑप्शन ए इज नॉर्थ सी, ऑप्शन बी इज लेब्राडोर सी, सी इज बाल्टिक सी एंड डी इज ब्योफोर्ट सी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, रशियन एनक्लेव कालिनिंग्राड, तो रशिया का जो एनक्लेव है, ये एनक्लेव जो है वो कौन से सी में सिचुएटेड है, कौन से समुद्र में है, कौन से ओशन में सिचुएटेड है? ऑप्शंस आपको बताए गए हैं, ध्यान से देखें सभी ऑप्शंस को, आंसर करने की कोशिश करें। ये ना ज्योग्राफी के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑल राइट, आई एम गेटिंग योर रिप्लाइज, और बाकी भी मैं स्टूडेंट्स को कह दूँ जिन्होंने ज्वाइन किया है, आप भी अपने कंट्रीब्यूशन जरूर दें, आंसर जरूर करने की कोशिश करें, इवन इफ यू नो और यू डोंट नो द आंसर। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज द वेरी फोर्थ क्वेश्चन।
शेयर ज़रूर कर दें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वैसे तो यूजुअली आई एम गेटिंग योर इन्वॉल्वमेंट, बट आप प्लीज़ करते रहें और लाइक ज़रूर करें। फोर्थ क्वेश्चन आंसर सुन लीजिए जी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज़ बाल्टिक सी। रशियन एनक्लेव कालिनिंग्राड इज़ लोकेटेड ऑन बाल्टिक सी। तो ये दो देशों के बीच आता है जी, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ओके, तो इट वाज कैप्चर्ड बाय यूएसएसआर फ्रॉम नाजी जर्मनी इन अप्रैल 1945। थोड़ा सा इसके बारे में ये हिस्ट्री था, तो बस ये बताना आपको पर्पस था कि बाल्टिक सी में ये सिचुएटेड है और ये दो देशों के बीच आता है, लिथुआनिया एंड पोलैंड। तो नेक्स्ट देखिए, इससे इन चीज़ों से ना, इन क्वेश्चंस को गो थ्रू करने से, एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करने से थोड़ा सा आपको ज्योग्राफिकली पता चलता रहता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपके सामने है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कुवैत इन जुलाई 2022। अभी रिसेंटली कुछ ही दिन पहले किसी को कुवैत का न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है और वो कौन है ये पूछा गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए इज अब्दुल्ला एल सलीम अल सबाह। ऑप्शन बी इज साद अल सलीम अल सबाह। ऑप्शन सी इज जाबिर अल सलीम अल सबाह एंड ऑप्शन डी इज अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। तो ये ऑप्शंस हैं जी आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। किसे रिसेंटली कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें और देखते हैं नेक्स्ट टाइम ही कौन कौन सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पहले आप इसको आंसर कर दें। ऑलराइट, आई एम गेटिंग रिप्लाइज, ACC इज आंसरिंग ए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो जीके या फिर करंट अफेयर्स को बहुत इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज ऑप्शन डी, दिस इज अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा। तो उन्हें बनाया गया है जी। ओके, नया प्राइम मिनिस्टर उन्हें बनाया गया है 3 months आफ्टर एक्स कुवैती गवर्नमेंट रिजाइन, क्योंकि जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजाइन कर दिया, इसलिए इनको नया बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पे, ये है। विच कंट्री इज करंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? ये तो सभी को पता होना चाहिए। इस ये आप जीके कह लो, करंट अफेयर्स कह लो, कॉमर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सभी के लिए ज़रूरी है। कौन सी कंट्री के साथ रिसेंटली इंडिया ने लार्जेस्ट ट्रेड किया है? लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड आप समझते ही हो, मैंने काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी लगाई हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की यूजली बात करते हैं। तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन ए इज यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी इज चाइना, ऑप्शन सी इज रशिया एंड ऑप्शन डी इज यूनाइटेड किंगडम। तो ये पूछा गया आपसे, इसका आंसर मुझे सभी स्टूडेंट्स से चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि आपका आप किस तरीके से स्टडी कर रहे हो। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आंसर करने की कोशिश करें। ओके, ऑलरेडी एवरीवन इज आंसरिंग, लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ द, एवरीबॉडी इज राइट इन आंसरिंग, क्योंकि मेरे सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। ऑप्शन ए इज यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट एज पर द लेटेस्ट डेटा, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जो लेटेस्ट डेटा दिया है उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट ने सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की है जी इंडिया के साथ, और जो बायलेटरल ट्रेड हुआ उसकी टोटल वैल्यू 119.42 यूनाइटेड स्टेट बिलियन डॉलर्स है। तो ये, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑब्वियसली वो चाइना है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th आपकी स्क्रीन पर है, आप आंसर करें, ध्यान से देखें। वोडाफोन आइडिया, आपको कंपनी के बारे में पता ही है, ये किस चीज़ में डील करते हैं? ये डील करते हैं मोबाइल फ़ोन्स जो हैं और उनके जो सिम्स हैं उसमें ये डील करते हैं। वोडाफोन आइडिया हैज़ अनाउंस्ड द एलिवेशन ऑफ डैश एज इट्स न्यू CEO। CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उन्होंने नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम 19th of August 2022। अनाउंस किया है कि हम बनाएंगे, किसे बनाएंगे? तो ये पूछा गया। ऑप्शन इज रामा सुब्रमण्यम गांधी, बी इज पी उदय कुमार, सी इज अक्षय मुंद्रा
एंड इज अल्केश कुमार शर्मा। तो ये पूछा गया है प्रीति गौड़ा जी, यू हैव आंसर दिस क्वेश्चन, फिर से सुन ले। वोडाफोन आइडिया ने नया किसे अनाउंस किया है कि हम सीईओ बनाएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता दी है, ऑप्शंस आपको ऑलरेडी दे दी हैं। लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज ऑप्शन सी, आकाश मुंद्रा। आकाश मुंद्रा को बनाया गया है जी, ये सोचा है उन्होंने। दे हैव अनाउंस्ड दैट द प्रेजेंट चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर, अभी प्रेजेंटली वो सीएफओ हैं आकाश मुंद्रा, उन्हें नया सीईओ अपॉइंट कर दिया जाएगा। ओके और जो प्रेजेंट थे जिन्हें जिन्हें रिप्लेस करना है उन्हें उनका नाम है रविंद्र डक्कर। ओके तो ये इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में, यही दैट आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन। लेट मी शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 था, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है द यूरोपियन काउंसिल रिसेंटली ग्रांटेड द कैंडिडेट स्टेटस टू विच कंट्री? तो यूरोपियन काउंसिल के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बार स्टडी किया है, मैंने इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में जब क्लासेस ली थी इंटरनेशनल बिजनेस में और बिजनेस एनवायरनमेंट में, तब हमने स्टडी किया था डिफरेंट डिफरेंट जो रीजनल इंटीग्रेशन ग्रुप्स हैं, जैसे एशियान हो गया या फिर SAFTA, NAFTA, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन IMF, और हमने इसके बारे में भी स्टडी किया था यूरोपियन यूनियन के बारे में। यूरोपियन यूनियन में यूरोपियन काउंसिल है, तो यूरोपियन काउंसिल का नया मेंबर नया कैंडिडेट किसे बनाया गया है? वैसे तो दो कंट्रीज हैं मुझे पता है उनका श्योर है, और उनमें से एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शंस में, और आपको बताना है कि यूरोपियन काउंसिल ने कौन सी कंट्री को रिसेंटली कैंडिडेट स्टेटस दिया है कि आप हमारे मेंबर बन सकते हो। ऑप्शन ए है जी आपके सामने एस्टोनिया, ऑप्शन बी इज लाटविया, ऑप्शन सी इज रिपब्लिक ऑफ मॉल्डोवा एंड ऑप्शन डी इज जॉर्जिया। सभी को पता होना चाहिए कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को, और IBPS SSC के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली इनको पता होना ही चाहिए। ओके ऑलराइट, सो आई एम गेटिंग योर रिप्लाईज। बाकी भी अमृत, अब चाहे अमृत, नन्नी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप आंसर ज़रूर किया करें, इवन इफ यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन सी, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा। तो मोल्डोवा कंट्री है जिसे नया बनाया गया, दो का नाम मैंने आपको बताना था, दो का नाम है यूक्रेन एंड रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, वर ग्रांटेड स्टेटस ऑफ अ कैंडिडेट कंट्री बाई यूरोपियन यूनियन काउंसिल। इससे फ़ायदा क्या होगा उन्हें? दिस पीव्स वे टुवर्ड्स देम बिकमिंग द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन ब्लॉक, तो इससे वो यूरोपियन ब्लॉक के नए मेंबर बन जाएंगे। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट थिएटर कमांड्स फॉर ट्रायल सर्विसेज? ओके ट्रायल सर्विसेज जो हमारी तीनों आर्म्ड फोर्सेज हैं, टू एनहांस कोऑर्डिनेशन अमंग द आर्म्ड फोर्सेज इन जुलाई 2022। फिर से सुन लीजिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट थिएटर कमांड, तो ज्वाइंट थिएटर कमांड जो है ताकि वो इकट्ठे मिलकर जो है वो अपना आप कह सकते हो कि वर्किंग कर सकें, अपनी जितनी भी प्रैक्टिस है अपनी ट्रेनिंग जो है वो कर सकें, तो उसके लिए ज्वाइंट थिएटर कमांड जो है उसे सेटअप करने की अनाउंसमेंट रिसेंटली किसने की है? ऑप्शन ए आपके सामने है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सी होम मिनिस्टर अमित शाह, डी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से देखें। हु अमंग द फॉलोइंग हैज अनाउंस द सेटिंग अप ऑफ ज्वाइंट थिएटर कमांड फॉर ट्राई सर्विसेज? ट्राई सर्विसेज आप जानते हो, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको। ओके ऑलराइट, आई एम गेटिंग रिप्लाईज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिफेंस। तो ये ना हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस मिनिस्टर की ही होती है क्या ये आप ध्यान से देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ तीनों। ओके कौन कौन से? आर्मी, द नेवी एंड एयर फोर्स, आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो उनके लिए एक नई ज्वाइंट थिएटर कमेटी का सेटअप करने की अनाउंसमेंट हो गई है। ट्राई सर्विसेज हैं ये, इनका नाम ट्राई सर्विसेज है ये तीनों आर्म्ड फोर्सेज का। और फ़ायदा क्या होगा? ऑल ऑफ देम विल वर्क एज अ सिंगल एंटिटी लुकिंग आफ्टर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल टेरिटरी। तो
उन्हें जो भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी असाइन की जाएगी उसमें ये तीनों मिलकर आपस में मिलकर काम कर पाएंगे। इस तरीके की ज्वाइंट थिएटर कमांड जो है वो सेटअप करने की कोशिश की गई। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 था आपके सामने है। दसवां क्वेश्चन है, मेरी कोशिश है हम कम से कम आज 30 क्वेश्चन फिर से पढ़ें। ये ना ये क्वेश्चन जो है, आज कुछ क्वेश्चन हमने हेल्थ के रिलेटेड भी रखे हैं, क्योंकि पीपल हेल्थ पीपल एनवायरनमेंट ये चीज़ें एक 10th मॉड्यूल हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के अंडर। तो क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 10th इज पिंक बॉल वॉर्म। पिंक बॉल वॉर्म विच मेड न्यूज रिसेंटली इन्फेस्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप को एक स्पेशल तरीके का जो आप कीड़ा कह सकते हो जिसका नाम है पिंक बॉल वॉर्म, वो खाता है। पिंक बॉल वॉर्म किस फसल को खाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पिंक बॉल वॉर्म विच मेड न्यूज रिसेंटली, जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, इन्फेस्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो ये पूछा गया। जल्दी से जल्दी आंसर करें जी। ऑप्शन ए वो राइस की क्रॉप को खाता है, बी वो कॉटन की क्रॉप को खाता है, ऑप्शन सी वो बीटल लीव्स को खाता है, एंड ऑप्शन डी वो एरकानाट को खाता है। तो ये पूछा गया जी आपसे, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। अपने इन्वॉल्वमेंट दीजिए जी, आई नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच एंड एवरीवन। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आपको पता है नहीं पता है, आंसर ज़रूर करो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर ज़रूर करते रहना और लाइक ज़रूर करना। कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, कल मॉर्निंग में क्लास लगेगी, उसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस लेक्चर के एंड में, और वो स्पेसिफिकली यूजीसी नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग होने वाली है। तो कल मॉर्निंग में कंडक्ट की जाएगी, तो मुझे इन्वॉल्वमेंट सभी की चाहिए। ओके, तो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दिस इज कॉटन। ओके, जो कॉटन की जो फसल होती है उसे ये कीड़ा खाता है, और ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है, एशिया में बहुत ही ज़्यादा है। पिंक बॉलवॉर्म जिसे हम पैक्टिनोफोरा गॉसिफी प्याला, ये एक तरीके का पेस्ट है, एक कीड़ा है, दैट इन्फेस्ट कॉटन फार्म्स। इट इज़ नेटिव टू एशिया, एशिया में बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। हाउ एवर दिस इनवेजिव स्पीशी हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री करंटली। ये करंटली कहाँ पे है, करंटली सेवरल पार्ट्स ऑफ पंजाब आर फेसिंग द थ्रेट अटैक ऑफ पिंक बॉल वॉर्म। तो ये एक तरीके का इंसेक्ट है जिससे सभी जो एशिया की जितनी भी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सफ़र कर रही हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, आपके सामने है, क्वेश्चन को देखें, आंसर करने की कोशिश करें और अपने इन्वॉल्वमेंट ज़रूर दें, जितना हो सके आप इन्वॉल्वमेंट दें। क्वेश्चन आपके सामने है, विच फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन फ्रेंच 1 ग्रैंड प्रिक्स इन जुलाई 2022। तो ये जो कार रेसेस होती है ना, उनकी एक आप कह सकते हो टूर्नामेंट का नाम है, वो किस ड्राइवर ने जीता है। ओके, तो टूर्नामेंट का नाम आपके सामने है, दिस इज फ्रेंच F1 ग्रैंड प्रिक्स। तो ये अवार्ड है फार्मूला 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो कौन जीते हैं जी, ऑप्शन ए कार्लोस सेंस, बी लेविस हैमिल्टन, सी चार्ल्स लेकस, एंड डी इज मैक्स वर्स्टेपन। तो कौन जीते हैं जी उसमें, ये आपसे पूछा गया है, आंसर करने की कोशिश करें, ध्यान से देखें इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जो इन चीज़ों के लिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं स्टूडेंट्स, जो स्पोर्ट्स जो हैं काफ़ी देखते हैं, उन्हें तो ये चीज़ शायद पता होगी अगर आप रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन डी एंड मैक्स वर्स्टैपन। तो ये जीते हैं जी फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड पिक्स ऑन 24th ऑफ जुलाई। ओके, तो बाकी सेकंड और थर्ड पोजीशन का तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, लेकिन आपको एक ना नाम पता चल गया आज, जो मैक्स वर्स्टैपन है वो किस स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है, वो कार रेसिंग के साथ रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी किस चीज़ के साथ रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 है जी, 2022 रेजिलियंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट
इज एसोसिएटेड विद विच ग्लोबल एसोसिएशन, तो कौन सी ग्लोबल एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसका नाम है 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट। तो फिर से आप समझ ही गए होंगे, कौन सी ग्लोबल एसोसिएशन ने एक स्टेटमेंट जारी की है 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज G20 ग्रुप ऑफ 20s, ऑप्शन बी ब्रिक्स BRICS, ऑप्शन सी इज G7 ग्रुप ऑफ 7 एंड डी इज एशियन ASEAN। फिर से समझ लीजिए, फिर से सुन लीजिए, कौन सी ग्लोबल एसोसिएशन ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट जारी की है जिसे हम 2020 रेजिलिएंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं और रिसेंटली ये न्यूज़ में रही थी। तो ध्यान से देखें, आंसर करें क्वेश्चन को। ऑल राइट, आई एम गेटिंग योर रिप्लाइज। लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दिस इज G7 ग्रुप ऑफ 7। और ये स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दे दूं मैं आपको। लीडर्स ऑफ पावरफुल पावरफुल ग्रुप ऑफ 7 ग्रुपिंग एंड इट्स फाइव पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया इशूड अ ज्वाइंट स्टेटमेंट टाइटल 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। तो वो इशू की गई है, इसका पर्पस क्या है? द लीडर्स अफर्म्ड दैट दे आर कमिटेड टू ओपन पब्लिक डिबेट एंड फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ताकि वाइल्ड गार्डिंग द फ्रीडम इंडिपेंडेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ सिविल सोसाइटी एक्टर्स। तो पर्पस यही है कि अगर कोई भी कंट्री को, किसी को भी कोई इशू हो रहा है या कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स की कोई कोई का के साथ है रिलेटेड कोई इशू है, तो उसके रिलेटेड ओपन पब्लिक डिबेट होगी और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। तो यही कि स्टेटमेंट में लिखा है 2022 रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये तो यूजुअली जो क्रिकेट लवर्स हैं या फिर जो स्पोर्ट्स लवर हैं उनको पता होना चाहिए। विच इंडियन वीमेन क्रिकेटर अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट ऑन 24th of July 2022 रिसेंटली, कल परसों की ही बात है, जिन्होंने रिटायरमेंट ली है किसी वीमेन क्रिकेटर में, वो इंडियन वीमेन क्रिकेटर हैं, उनका नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए इज जुलन गोस्वामी, ऑप्शन बी इज मिथाली राज, ऑप्शन सी स्मृति मांधना, ऑप्शन डी इज करुणा जैन। तो ये पूछा गया है आपसे, आंसर करने की कोशिश करें। देखें क्वेश्चन को ध्यान से, कौन सी वीमेन क्रिकेटर ने रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, चाहे वो T20 हो, वनडे हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। तो क्वेश्चन देख ही लिया है आपने। ओके ऑल राइट, सो जो TCC एवरीबडी इज आंसरिंग, लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू आर एग्जैक्टली राइट, करुणा जैन ने रिटायरमेंट ले ली है जी। तो वो विकेट कीपर थे, विकेट कीपर, उन्होंने 24th of July को अनाउंस कर दिया है। उन्होंने किन स्टेट्स के लिए या फिर किस कंट्री के लिए खेला? ऑब्वियसली इंडिया। स्टेट्स की बात करें, कर्नाटका, पांडिचेरी, साउथ जोन के लिए उन्होंने प्ले किया है। 850 है उनकी और वन डे इंटरनेशनल, वन सेंचुरी है उनके नाम पे। तो यही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इसके लिए। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको 14th दिखाने जा रहा हूँ। आपको पता है रिसेंटली एक काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हो एक कस्टम सा चल गया है, जो रिसेंटली नेम चेंजिंग का सिस्टम जो चल रहा है हमारे इंडिया में, रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखा गया है, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। संभाजी नगर इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी, कौन सी सिटी का नाम चेंज करके हमने संभाजी नगर रख दिया है? तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। ऑप्शन ए इज अहमदाबाद, बी औरंगाबाद, सी फिरोजाबाद, डी गाजियाबाद। तो कौन सी इंडियन सिटी का रिसेंटली नाम चेंज करके संभाजी नगर रख दिया गया है? तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखें, आंसर करें, इन्वॉल्वमेंट जरूर दें, चाहे आपको क्वेश्चन पता है चाहे नहीं पता है।
और शायद मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस वीडियो को ऑफ करूँ, आप ना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कर दें, और साथ में आप नोटिस करते रहें, क्वेश्चन नंबर 14th ऑलरेडी चल रहा है, क्वेश्चन 16th क्वेश्चंस अभी और पेंडिंग है, और मैं चाहता हूँ कि आप साथ में अपने अपने अपना स्कोर जो है वो आप नोटिस करते जाएँ, कॉपी पर लिखते जाएँ, या किसी भी तरीके से मुझे स्कोर ज़रूर चाहिए आपका। ओके, ऑल राइट, आई एम गेटिंग रिप्लाइज। तो किसका नाम चेंज हुआ है जी? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज औरंगाबाद, औरंगाबाद का नाम चेंज कर दिया है। शिव सेना लेड महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्लियर द प्रपोजल टू रीनेम औरंगाबाद एज ए संभाजी नगर एंड उसामाबाद एज धरशिव। तो दो सिटीज का नाम उन्होंने चेंज करने का प्रस्ताव रखा था, और उसे गवर्नमेंट ने क्लियर कर भी दिया है। तो ये चीज़ है। द कैबिनेट ऑल्सो क्लियर अ प्रपोजल टू नेम अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर लेट डीबी पाटिल। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज करने का भी प्रस्ताव जो है वो रख दिया जा चुका है डीबी पाटिल के नाम पर। फिर से सुन लें, औरंगाबाद का नाम चेंज होकर संभाजी नगर जो है वो उसका प्रपोजल अप्रूव हो गया है, और उस उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धरशिवर रखने का जो प्रस्ताव है वो भी पास कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 15th आपके सामने है। हु हैज वॉन द सिल्वर मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2022? तो ये क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है ये सभी आंसर कर पाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है। रिसेंटली जिसका जिसके बारे में ये क्वेश्चन है उसने काफ़ी बड़ी अचीवमेंट की है जी, आपको शायद पता ही होगा। तो मुझे उम्मीद है सभी को इसका आंसर तो पता ही होना चाहिए। जल्दी से आंसर करें इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15th। इससे हाफ हमारा क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रिसेंटली किसने सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में, कहाँ पे? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। तो ये क्वेश्चन है, 15th का आंसर दे रहे हैं सभी डी। ओके, लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, पहले ऑप्शंस जो थी वैसे तो चलो आपको पता लग गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है जी, ये कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन यूजीन यूनाइटेड स्टेट। तो उन्होंने सेकंड पोजीशन मिली है जी, क्योंकि उन्होंने जो थ्रो दिया था वो है 88.13 मीटर्स का, और जो फर्स्ट आए हैं उनका नाम है ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स, उन्होंने 90.54 मीटर्स का थ्रो जो है वो फेंका है। तो इसीलिए उनकी सेकंड पोजीशन है हमारी, आप कह सकते हो नीरज चोपड़ा की, तो सिल्वर मेडल जीता है जो। तो इससे फायदा क्या है इंडिया को, क्या फायदा है? वो फर्स्ट एवर इंडियन बन चुके हैं अब नीरज चोपड़ा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो ये इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16th आपके सामने है। यहाँ पे डी रेगुलेशन का केस आ गया, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्जाम में। दी गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड डी रेगुलेशन ऑफ विच प्रोडक्ट रिसेंटली विच वॉज इन इट्स कंट्रोल अर्लियर। तो गवर्नमेंट ने ना एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डी रेगुलेशन कर दिया। डी रेगुलेशन आप समझते ही हो, मैंने आपको एलपीजी सिस्टम ऑलरेडी टीच किया है, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो डी रेगुलेशन का मतलब है गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया है किसी प्रोडक्ट पर, अब कोई भी कंपनी चाहे तो वो उसे अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर कर सकती है, और प्रोडक्ट बनाने के बाद उसे सेल भी कर सकती है। तो कौन सा प्रोडक्ट है जिसे डीरेगुलेट कर दिया गया है, ये क्वेश्चन है। फिर से सुन लीजिए, दी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड डीरेगुलेशन ऑफ विच प्रोडक्ट रिसेंटली विच वॉज इन इट्स कंट्रोल अर्लियर, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में पहले था लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा लिया है, और कहा है कि आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हो, और आप उसे सेल कर सकते हो, मार्केटाइज कर सकते हो, और किसी भी तरीके से बना सकते हो। तो स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, साथ साथ में आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ले पा रहा हूँ। लेट मी टेल यू द राइट आंसर, ऑप्शंस बता दूँ। फर्स्ट ए इज लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल, बी इज एविएशन फ्यूल, सी डिफेंस इक्विपमेंट एंड डी एटॉमिक एनर्जी प्लांट इक्विपमेंट। तो ये ऑप्शंस है जी, मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, स्टूडेंट्स ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लोकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। सो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ओएनजीसी एंड वेदांता के जैसी
कंपनीज को, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड वेदांता लिमिटेड, ताकि वो लोकली प्रोड्यूस कर पाए क्रूड ऑयल को टू एनी इंडियन रिफाइनरी फॉर टर्निंग इट इनटू फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल, ताकि वो किसी भी तरीके से इन्हें जो प्रोड्यूस जो क्रूड ऑयल है उन्हें प्रोड्यूस कर पाए और किसी भी रिफाइनरी में चाहे वो कहीं पे भी अपना सेटअप लगा ले मैन्युफैक्चरिंग का और उसे फ्यूल में कन्वर्ट कर सकें, वो फ्यूल चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो। पहले ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, पहले गवर्नमेंट जो है वो कहती थी कि आप लोकली क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट आपको पता है आज की डेट में इस चीज़ की कितनी ज़्यादा डिमांड है, तो डिमांड को ध्यान में रखते हुए शायद गवर्नमेंट ने ये डीरेगुलेशन कर दी है कि आप चाहो तो लोकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, आप उसे बना सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा और आंसर करने की कोशिश करें। एंड आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू लाइक ज़रूर करें, साथ साथ आप शेयर ज़रूर करते रहें ताकि बाकी भी स्टूडेंट्स को क्लासेस पता चलती रहें। कल मॉर्निंग क्लास है UGC नेट के रिगार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, ये सामने देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 इज, आप देखो व्हाट्सएप कितना ज़्यादा तरक्की कर चुका है। इन जुलाई 2022 विच बैंक हैज़ ऑफिशियली बिगिन ऑफरिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू इट्स कस्टमर। अब आप व्हाट्सएप पे सारी सर्विसेज देख सकते हो। यूजली आप क्या करते हो, जैसे आपका बैंक PNB में है या SBI में है या HDFC में, आप उसकी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, फिर आप अपनी पासबुक देखते हो, आप अपने स्टेटमेंट के प्रिंट लेते हो या फिर आप अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में देखते हो, तो ये चीज़ें अब व्हाट्सएप पे भी मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कौन सी बैंक ने ये इनिशिएटिव लिया है वो पूछा गया है। ऑप्शन इज SBI, बी इज आंध्रा बैंक, सी इज इंडियन बैंक एंड डी इज PNB पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें, कौन सी बैंक है जिसने ऑफिशियली स्टार्ट कर दिया है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज अपने कस्टमर के लिए। स्टूडेंट्स आंसर करें, लेकिन मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए जी, सभी की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए क्लास में, तभी मज़ा आता है टीच करने का भी और आपको समझने का सीखने का भी। तो मैं बता दूं जी इसका राइट आंसर, सभी कुछ कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई बी कह रहा है। लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ऑब्वियसली आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट सर्विसेज प्रोवाइडर। ओके, सो SBI इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। SBI हैज बिगन ऑफरिंग व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। तो इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा क्या होगा, आप क्या कर पाओगे? यू कैन नो अकाउंट बैलेंस एंड चेक मिनी स्टेटमेंट्स ऑन द गो बाय SBI व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। तो एक ऑब्वियसली एक एप्लीकेशन की तरह ही होगा शायद, या फिर व्हाट्सएप पे ही कोई फीचर्स आ जाएंगे जिससे आप इजीली अपने मिनी स्टेटमेंट या फिर आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाओगे। और आने वाले दिनों में ऑब्वियसली ये भी हो जाएगा कि आपको बैंक की जो अपनी एप्लीकेशन है वो ना भी इंस्टॉल करनी पड़े, आप सीधा व्हाट्सएप के थ्रू ही सभी ट्रांजेक्शन जो है कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 18 आपके सामने है, विच इज़ दी ओनली इंडियन सिटी टू अचीव गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी इन एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021। तो रिसेंटली ना एक जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, जिस तरीके से फोर्ब्स की लिस्ट जारी होती है, जिस तरीके से HDI इंडेक्स जारी होता है, उसी तरीके से एक इंडेक्स है जिसका नाम है APSI, जिसे हम एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो वो ना डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ को उनकी डेवलपमेंट के बेसिस पर, सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पर वो उनको कुछ कैटेगरीज में डिफरेंशिएट करता है। तो इंडिया में कौन सी सिटी को गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है रिसेंटली 2021 में? तो ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज़ न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ बेंगलुरु, ऑप्शन सी इज़ हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इज़ मुंबई। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखें, आंसर करने की कोशिश करें, सभी आंसर कर रहे हैं। और रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ़ यू हैव नॉट लाइक दिस वीडियो टिल नाउ, लाइक ज़रूर करें प्लीज़ और शेयर ज़रूर करें अपने सोशल मीडिया पे। तो मैं आपको सही आंसर बताने जा रहा हूँ जी, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ बेंगलुरु, बेंगलुरु को कहा गया है जी।
फोर सिटीज नेमली बेंगलुरु दिल्ली हैदराबाद एंड मुंबई अपियर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 20 सस्टेनेबल सिटीज एज पर एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स बट बेंगलुरु एट द 14th रैंक इन द रीजन एशिया में जो है वो फोर्थ रैंक था. इट इज़ दी ओनली इंडियन सिटी टू अचीव गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी. तो सिर्फ इसी को ही बेंगलुरु को ही गोल्ड स्टैंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है इस इंडेक्स के द्वारा. तो नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है. विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इनकम टैक्स डे इन इंडिया. ऐसे क्वेश्चंस ना आपको यूजीसी में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको जीके में पूछे जाते हैं. कॉमर्स, मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, लॉ, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरीके के क्वेश्चंस. क्वेश्चन ध्यान से देखें, यूजुअली स्टूडेंट्स को नहीं पता होता चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों. किस दिन को इनकम टैक्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? आंसर करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ. ऑप्शन इज 4 जून, 4 जून को, बी 24 जुलाई, सी 17th of March एंड डी 11th of June. तो किस दिन को एज इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? आंसर करें, ध्यान से देखें. स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी आंसरिंग, कई बी आंसर कर रहे हैं, कई ए, कई डी आंसर कर रहे हैं. व्हाट अबाउट सरोज, ईसीसी, अमृत? तो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज ऑप्शन बी. दिस इज 24th of July, तब मनाया जाता है जी. इसको गलत मत कर देना, मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं. एक बार आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में, तो आपको अवेयर रहना चाहिए. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्लासेस जो है रेगुलरली ज्वाइन करें, पता नहीं कब आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. क्यों मनाया जाता है ये बताऊंगा मैं. तो इनकम टैक्स डे जो है इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 24th of July. इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2010 टू कमेमोरेट 150 ईयर्स ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया. 150 साल हो गए थे 2010 को, तब ये पहली बार मनाना स्टार्ट किया. क्यों मनाया जाता है? ऑन 24th of July 1860 में जेम्स विल्सन इंट्रोड्यूस्ड इनकम टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. तो ये आदमी का नाम था जेम्स विल्सन. ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, किसने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया? जेम विल्सन है. 24 जुलाई 1860 को किया. अब ये क्या, अब ये कौन कंडक्ट करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो ये सेलिब्रेट करता है और कई तरीके के प्रोग्राम्स जो हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड जो है वो करवाए जाते हैं. ये इन्फॉर्मेशन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20वां क्वेश्चन आपके सामने है. विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट के नाम से भी जिसे हम जानते हैं. तो कहाँ पे यूनाइटेड नेशन, UN, ये एक नई एब्रिविएशन जुड़ गई आपके सामने, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन ए इज नैरोबी, ऑप्शन बी इज रोम, ऑप्शन सी इज जेनेवा एंड ऑप्शन डी इज न्यूयॉर्क. तो ये क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फिर से सुन लें, कहाँ पे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी जल्दी आंसर करें जी, जल्दी जल्दी चलना है हमें. ऑलरेडी आई थिंक वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. तो 10 क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दिस इज नैरोबी. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इज यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, ये इसका पर्पस है. 1978 को इसमें इसे एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी, कीनिया में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21st आपकी स्क्रीन पे है. विच टेनिस प्लेयर हैज़ वॉन 2022 स्विस ओपन हेल्ड इन गस्टार्ड स्विट्जरलैंड ऑन 24th of July? जल्दी आंसर करें जी क्वेश्चन को. कौन से टेनिस प्लेयर को रिसेंटली स्विस ओपन 2022 स्विस ओपन जो है उसका टाइटल मिला है, जो कि गस्टार्ड स्विट्जरलैंड में कंडक्ट किया गया था? कौन से टेनिस प्लेयर को मिला है? आप आंसर दें. ऑप्शन ए इज कास्पर रुड, बी मैटियो ब्रेंटिनी, सी राफेल नडाल एंड डी नोवाक जोकोविच. तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर करें. ऑलरेडी आंसर, सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कास्पर रुड. तो उन्होंने जीता है जी ओपन हेल्ड
ये गस्टार्ड स्विट्जरलैंड में हेल्ड किया गया था और इन्होंने किसी को हराया, उसका नाम है मैटाओ ब्रेटिनी इन फाइनल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है दैट्स एनफ, बट ये लास्ट में ना एक एब्रीवेशन दी है ATP, दैट स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ओके, तो ये टाइटल मिला है जी उन्हें और ये 9वीं बार हुआ है, 9th टाइम्स हुआ है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। ये ना मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, आप ध्यान से पढ़ें इसको। हु बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक K2 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ना एक बहुत ही बड़ी, जैसे हिमालय है वैसे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है, पर्वत है, जिसका नाम है K2। ओके, पीक K2। तो उसे रिसेंटली ना एक बांग्लादेशी महिला ने चढ़ा और चढ़ के वो वापस भी आ गए, कंप्लीट कर लिया अपनी जर्नी। तो उस वीमेन का नाम पूछा गया आपको। ओके, ऑप्शन ए इज निशात मजूमदार, ऑप्शन बी इज शिवांगी पाठक, सी इज मलवतपूर्णा एंड डी इज वसीफा नाजरीन। ओके, क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा आपको। हु बिकेम द फर्स्ट बांग्लादेशी टू स्केल द सेकेंड हाइएस्ट माउंटेन पीक K2 इन पाकिस्तान। जल्दी जल्दी आंसर करें जी, हमें जल्दी से आगे बढ़ना है, आगे भी क्वेश्चंस को देखना है। सो आई एम ऑलरेडी गेटिंग योर रिप्लाइज एंड वेरी हैप्पी टू सी दैट, बट आप रेगुलर बेसिस पे ना आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करते रहें रहा करें, ताकि मुझे इन्वॉल्वमेंट भी पता चले और आगे भी क्लासेस जो हैं कंडक्ट करने में आसानी हो। सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, वसीफ़ा नाजरीन। ये चढ़ी हैं जी। ओके, वसीफ़ा नाजरीन बिकेम फर्स्ट बांग्लादेशी, पहली बांग्लादेशी महिला हैं वो जिन्होंने सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन चढ़ा है, जिसका नाम K2 है, पाकिस्तान में है। उन्होंने क्लेम किया है 8611 मीटर्स या फिर 28251 फीट की ऊंचाई थी उसकी, और वो वापस आ गई बेस कैंप में 22 जुलाई, मतलब अपनी जर्नी कंप्लीट कर लिया। वसीफ़ा नाजरीन क्लेम्ड माउंट, उन्होंने माउंट एवरेस्ट भी चढ़ा था 2012 को। ओके, 12 में। सो शी इज़ दी सेकेंड वूमेन फ्रॉम बांग्लादेश टू डू सो। पहले पहले एक माउंट एवरेस्ट कोई चढ़ चुका था, सेकेंड ये थी, और अब पी K2 पे चढ़ने वाली पहली बांग्लादेशी महिला है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये सामने है, ये भी मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी। व्हेन इज़ दी वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली। ये ना एक आपको फिगर देंगे, लोग समुद्र में डूब जाते हैं। ओके, तो समुद्र में या फिर और जगह पर जहाँ पे वाटर फ्लोज होते हैं, तो वहाँ पे डूब जाते हैं, उसको रोकने के लिए जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ रेगुलेशंस दी हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक डे मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे के नाम से जानते हैं। और ये कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए आपके सामने है 23rd of July, बी 24th of July, सी 25th of July एंड डी 26th of July। कब मनाया जाता है, ध्यान से देखें आंसर करें जल्दी से जल्दी। सो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर आंसरिंग, लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दिस इज 25th of July, 25 जुलाई को मनाया जाता है जी। ओके, सो दिस इज सेलिब्रेटेड, तो द यूनाइटेड नेशन है रिकॉग्नाइज दिस डे फॉर ग्लोबल एडवोकेसी ऑफ ड्राउनिंग प्रिवेंशन विद अ रेजोल्यूशन। ओके, तो उनके डेटा के अकॉर्डिंगली ना 2,36,000, 2,36,000 पीपल ड्राउन एनुअली। तो एनुअली इतने लोग डूब जाते हैं, विच मेक्स ड्राउनिंग अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। सो इसीलिए उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया 2021 में जनरल असेंबली में, कुछ एक नई रेगुलेशंस या कुछ रेजोल्यूशन लेकर आए। तो उस दिन को अब से वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे जो है 25th of July को हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर 24th आपके सामने है। बॉब राफेल्सन पास्ड अवे इन जुलाई 2022। ये एक पर्सन हुए हैं, एक आप कह सकते हो एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हैं, बॉब राफेल्सन। तो ये रिसेंटली ये एक्सपायर हो गए। हिज टीवी सीरीज दी मंकीज मेड हिम विन एन एमी अवार्ड। तो उनकी जो टीवी सीरीज थी दी मंकीज, उन्होंने एक अवार्ड जीता था, एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज इन विच ईयर। तो ये पूछा गया, तो उन्होंने कॉमेडी सीरीज चलाई थी उसके लिए उनको अवार्ड मिले थे। 2 बार ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुए, बॉब राफेल्सन।
तो वो किस ईयर में उन्होंने अवार्ड जीता था ये पूछा गया है। देखिए कितना डीप क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, ये ऐसे तो आप ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता तो कह लगा सकते हो। ऑप्शन ए 1967, बी 1973, सी 1979 एंड डी 1985। बट आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू आर गिविंग योर इन्वॉल्वमेंट। सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज 1967। इस ईयर में मिला था जी उसे। ओके, सो ही वॉज द को क्रिएटर ऑफ द मॉन्कीज, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फाइव इजी पीसेस, और फाइव इजी पीसेस के लिए उन्हें 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। और फिर उन्होंने एक सीरीज चलाई जिसका नाम हम जानते हैं द मंकीज, और उसके लिए उन्हें 1967 को एमी अवार्ड के साथ उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये इनकी इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन थी जो कि सफिशियंट है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर ये है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये लॉ के स्टूडेंट्स को तो 100% पता होना चाहिए, और पेपर वन के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, रीसेंट है। ओके, तो ये क्या है, दी गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड दी डैश टू अलाउ ट्राई कलर, ट्राई कलर हमारा तिरंगा, टू बी डिस्प्लेड इन इन दी ओपन एंड ऑन इंडिविजुअल हाउसेज थ्रू डे एंड नाइट इन जुलाई 2022। गवर्नमेंट ने ना कुछ अमेंड कर दिया, और अमेंड करके ये कहा है कि अगर आप चाहो तो हमारा हिंदुस्तान का जो फ्लैग है, जो तिरंगा है, उसको आप दिन में या रात में कभी भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। तो पहले नहीं कर सकते थे, सिर्फ दिन में ही कर सकते हैं, अब आप दोनों में कर सकते हो। तो किस लॉ को अमेंड किया है इस चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए पूछा गया। ऑप्शन ए इज कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, बी आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सी कोड ऑफ जुडिशियल कंडक्ट एंड ए डी इज फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन है, आंसर करें, ध्यान से देखें, जितना हो सके अपने इन्वॉल्वमेंट दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तभी हमें पता चलता है, तभी एनकरेजमेंट मिलती है। सो आई जस्ट नीड योर इन्वॉल्वमेंट, लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करते रहें साथ साथ, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप क्या किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। ओके, ऑल राइट, सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन डी, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है उसे अमेंड किया गया है रिसेंटली, ये प्रोवाइड करता है कि आप कब इसे फहरा सकते हो। ओके, सो फ्लैग ऑफ कोड ऑफ इंडिया टू अलाउ ट्राई कलर टू बी डिस्प्लेड इन ओपन एंड ऑन इंडिविजुअल हाउसेज और बिल्डिंग्स थ्रू डे एंड नाइट। द प्रोविजन अर्लियर अलाउड द फ्लैग विच डिस्प्लेड इन ओपन टू बी फ्लॉन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। पहले सिर्फ आप सनराइज टू सनसेट में ही आप इसे फहरा सकते थे, लेकिन अब आप इफ़ यू विश थ्रू डे एंड नाइट यू कैन जस्ट डिस्प्ले इट। ओके, तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 26 था आपकी स्क्रीन पे है। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल टू इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन इन जुलाई 2022। तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है सेकेंड स्पेस मॉड्यूल टू इट्स परमानेंट, उनका परमानेंट स्पेस स्टेशन है। ओके, उन्होंने उसके रिगार्डिंग सेकेंड स्पेस जो है वो मॉड्यूल लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, कौन सी कंट्री है। ऑप्शन ए जापान, बी चाइना, सी रशिया, डी यूनाइटेड किंगडम। आंसर करें। ओके, ऑल राइट, लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑप्शन बी चाइना। चाइना के बारे में तो अभी मैं आपको बताया है, मैंने आपको, चाइना हैज सक्सेसफुली लॉन्च द सेकेंड स्पेस मॉड्यूल परमानेंट स्पेस स्टेशन, रिसेंटली मार्स पे पहुंचने वाली वो कंट्री बन चुकी है, और रॉकेट था वो। ओके, 23 टन वेंटीन लेबोरेटरी मॉड्यूल उसका नाम है, वाज लॉन्च्ड ऑन रॉकेट, रॉकेट का नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। यही तक इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए। तो सेकंड स्पेस मॉड्यूल है, इससे उनका और ज़्यादा पकड़ हो जाएगी। दिस विल एनेबल ऑस्ट्रोनॉट्स टू कैरी आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे वो, और बाकी चीज़ें जैसे पिक्चराइजेशन हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स की वो ले पाएंगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है, ये दिया गया है।
अभी आपको पता है मैंने कल ही पढ़ाया था आपको मॉन्की पॉक्स के बारे में, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ गया है कि वैक्सीन भी आ गई है। इन जुलाई 2022 मॉन्की पॉक्स वैक्सीन डैश हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग एडल्ट फ्रॉम वायरस एज केसेज सोर ग्लोबली। क्योंकि ग्लोबल बेसिस पर बहुत ही ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने एडल्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किस वैक्सीन को रेफर किया है, वैक्सीन का नाम पूछा गया है। सीधी भाषा में आपको कहूँ तो मंकी पॉक्स वैक्सीन वैक्सीन जो आई है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए इज एडासेल, ऑप्शन बी इज नोमोवैक्स, ऑप्शन सी इज मॉनवैक्स एंड ऑप्शन डी इज इम्वानैक्स। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आंसर करें, जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे पता चलता रहे और आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम देख पाएँ। ओके ऑल राइट, आई एम गेटिंग रिप्लाईज एंड दिस इज़ वेरी नाइस टू सी द राइट आंसर ऑफ दिस। आप ना मतलब आप थोड़ा ध्यान से सोचा करें। अच्छा इट्स नॉट दैट कि उसका नाम अगर मॉन्की पॉक्स है तो मॉनवैक्स होगा आंसर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इम्वानैक्स। इम्वानैक्स वैक्सीन का नाम है, मॉन्की पॉक्स वैक्सीन। इम्वानैक्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई ईएमए। ईएमए इज यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी फॉर प्रोटेक्टिंग एडल्ट फ्रॉम द वायरस एज केसेस सोर ग्लोबली। ओके तो ये नई बना दी गई है, यही इन्फॉर्मेशन बहुत है इसके लिए, चाहे मैंने काफ़ी लिखा है वो इसीलिए लिखा होता है ताकि मैं स्टूडेंट्स को और भी चीज़ें बता पाऊँ, लेकिन ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसका नाम है जी इम्वानैक्स, और रेफर किसने की है? यूरोपियन यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 28 देखें जल्दी से जल्दी। हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइजेस फॉर द ईयर 2022? तो 2022 में ग्लोबल एनर्जी प्राइज किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन है, इंडियन है जी वो, मैं आपको हिंट आपको दे दूं। ओके तो ऑप्शन ए इज एरिना तेजीबेवा, ऑप्शन बी इज कौशिक राजशेखरा, सी इज प्रवीण जैन एंड इज रॉन हुई। तो किसने जीता है रिसेंटली? हु हैज़ वॉन द ग्लोबल एनर्जी प्राइज फॉर द ईयर 2022? तो 2022 में ये प्राइज किसने जीता है? आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जल्दी से आंसर करें सो दैट वी कैन मूव फर्दर। सो लाइक ज़रूर करें अगर आप अपने अभी तक नहीं किया, और मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं रोज़ ना आपको पर्सनली भी सेंड करता हूँ मैसेज जो होते हैं ज्वाइनिंग मैसेजेस, आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट ज़रूर किया करें, इसी सेम हमें सपोर्ट मिलेगी। हमें सपोर्ट मिलती है तो ऑब्वियसली यू विल बी बेनिफिटेड। तो जो सही नाम है किसने जीता है उसका नाम है जी कौशिक राजशेखरा। वो इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ हाउस्टन, उन्होंने जीता है। क्यों जीता है? ही हैज़ वॉन द प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में बहुत काम किया है उन्होंने, एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज में बहुत काम किया है उन्होंने, वाइल्ड रिड्यूसिंग पावर जनरेशन एमिशंस, एमिशंस को कम से कम करके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन में काम किया। तो ये उन्हें अवार्ड मिला है। ये कौन देता है ये अवार्ड? ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन इन रशिया, तो ये देते हैं। ओके नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। ये कहा गया है इन जुलाई 2022 अनुराग ठाकुर रिलीज हाउ मैनी बुक्स पब्लिश बाई डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिकेशन डिवीजन। तो ये हमारे मिनिस्टर हैं, आपसे पूछा गया है डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिकेशन डिविजन्स के द्वारा दी गई कितनी बुक्स को अनुराग ठाकुर ने जुलाई 2022 में रिलीज किया है? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए इज 2 बुक्स, बी 3 बुक्स, सी 4 बुक्स एंड डी 5 बुक्स। कितने बुक्स जो है वो अनुराग ठाकुर ने रिसेंटली रिलीज किए हैं? ये तो वही आंसर दे पाएंगे जिन्होंने न्यूज़ को पढ़ा होगा कल या परसों का, जो न्यूज़पेपर है उसे देखा होगा, स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। सो आई एम ऑलरेडी गेटिंग रिप्लाईज, आप ना रिप्लाई ज़रूर दिया करें प्लीज़, साथ में मुझे पता चलता रहता है आपका लेवल, आपकी आपकी स्टडी के बारे में।
ओके ऑल राइट, आई एम टेलिंग यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज तीन बुक्स को उन्होंने रिलीज किया है जी। मैं बुक्स का नाम बता देता हूँ, पूछा जा सकता है। फर्स्ट इज मूड्स मूवमेंट्स एंड मेमोरीज फॉर्मर प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया 1950 से लेकर 2017 तक कितने प्रेजिडेंट्स रहे थे उनके रिगार्डिंग ये बुक है। दूसरी बुक का नाम है अ विजुअल हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट सिटीजन पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद, तो उनके बारे में ये बुक लिखी गई है। तीसरी बुक का नाम है इंटरप्रेटिंग ज्योमेट्रिक्स फ्लोरिंग द राष्ट्रपति भवन। तो ये तीन बुक्स जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं। यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, रेगुलर क्लासेस जो हैं वो लगाई जा रही हैं यूजीसी नेट के लिए और IBPS, SSC, UPSC प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम GK करंट अफेयर्स जो हैं, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, सभी चीज़ों के बारे में जो है MCQs को स्टडी करते हैं। कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, रीसेंट इनिशिएटिव है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी स्टूडेंट्स को बता पाओगे तो ऑब्वियसली दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट। कल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, विच बैंक विल बी अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स आफ्टर इट्स मर्जर विद इट्स पेरेंट्स। रिसेंटली एक बैंक जो है ना, उसने मर्जर अनाउंस कर दिया है अपने पेरेंट कंपनी के साथ, तो वो कौन सी बैंक है? पता ही होगा आपको, अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, एक पेरेंट कंपनी होती है, एक सब्सिडरी कंपनी होती है। पेरेंट कंपनी जो होती है वो आप कह सकते हो कि मेन आर्म होती है, सब्सिडरी उसकी सब्सिडरी कंपनी होती है जो ऑपरेशंस देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एरियाज में मेन कंपनी के। तो दोनों ने आपस में मर्ज होने के बारे में सोच लिया है, पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी ने, और वो कौन सी कंपनी है, ये क्वेश्चन पूछा गया। यस बैंक क्यों बोल रहे हो जी आप सभी? सो लेट मी टेल यू द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज HDFC। कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो ये पता होना चाहिए था, HDFC बैंक है, उसने अनाउंस कर दिया है HDFC बैंक। और अब ये अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं तो वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में इनका नाम आ जाएगा, क्योंकि इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी जी 160 बिलियन डॉलर्स। तो ये इसके बारे में, HDFC बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, आफ्टर SBI एंड ICICI बैंक। और जाने से पहले ना मैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहता था कि कल सुबह 11 बजे हम UGC नेट पेपर 1 के रिगार्डिंग एक डिटेल क्विज जो है वो रखने जा रहे हैं। MCQs होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन से MCQs होंगे, और ज़्यादा फोकस हमारा ICT पे रहेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसी तरीके से एक एक करके हम सभी मॉड्यूल्स को एग्जाम तक स्टडी करते जाएं, कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चंस को स्टडी करें, हम उन्हें पढ़ें। आप ज्वाइन ज़रूर करें, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ज्वाइनिंग लिंक आपको भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पे भी, टेलीग्राम पे भी, और आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर ज़रूर करें। शेयर करते हो आपको भी बेनिफिट होता है और बाकी भी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मॉर्निंग क्लास है कल जी, 11 बजे का टाइम है,